हम सभी ने अपने घरों के आसपास सड़क निर्माण की प्रक्रिया को होते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन इस वीडियो को जिसने भी देखा उसने अपना माथा पकड़ लिया। लापरवाही और बेशर्मी की सभी सीमाएं तोड़ती इस वीडियो को जिसने भी देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वीडियो में सड़क निर्माण में लगे इंजीनियर्स और मजदूर इस कदर अपने काम में मशगूल हैं कि उन्हें मूसलाधार बारिश से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो बस जल्द से जल्द सड़क का काम पूरा करने में जुटे हुए हैं। घनघोर लापरवाही के पोल खोलता ये वीडियो हरियाणा के करनाल का बताया जा रहा है। कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को शेयर कर हरियाणा की नायब सैनी सरकार पर तीखी टिप्पणी भी की है। कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हरियाणा में बीजेपी सरकार ने नई टेक्नोलॉजी इजाद की है, इससे बारिश में सड़क बनाई जाती है। इस टेक्नोलॉजी को नरेंद्र मोदी के नाम से पेटेंट किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का नाम बारिश में सड़क बनाओ, भ्रष्टाचार से पैसे कमाओ। अब भला इस तरह के वीडियो अगर सोशल मीडिया पर वायरल होंगे तो विपक्ष कैसे इस मौके को भुनाने से चूकने में गलती करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि कब तक जनता के टैक्स के पैसों को इस कदर बर्बाद किया जाता रहेगा। क्या मुख्यमंत्री नायब सैनी इस वीडियो पर संज्ञान लेंगे? क्या वो दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेंगे? कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस गैर भ्रष्टाचार के कहीं उनको दिखाई नहीं देता। वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं, उनको भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं और वो कभी भी कोर्ट उनके ऊपर संज्ञान ले रहा है और गंभीरता से कोर्ट उनके ऊपर संज्ञान भ्रष्टाचार को लेकर के ले रहा है और वो लोगों के बीच में झूठ बोल करके भ्रम की स्थिति फैला करके लोगों के अंदर पकड़ा। क्योंकि अगले 3 से 4 महीने में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले इस तरह की वीडियो सरकार की साख पर सवाल या निशान खड़े करती है। ये काम हमने शुरू किया था और शुरू करने के बाद एकदम बादल उठा और बारिश बहुत भारी आई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर ने साथ साथ इस काम को बंद करना चाहिए था बारिश आते हुए, लेकिन उसने कुछ लापरवाही बरती और काम बंद नहीं किया है। अब हम इसकी साइट विजिट करेंगे, जो काम बारिश में हुआ है उसको रिजेक्ट किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर से दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दोबारा बनवाया जाएगा।